हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीप संगीत माइती। आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस अनअकैडमी अकॉर्ड यूट्यूब चैनल। तो चलिए, आज के सेशन में हम जो क्वेश्चन है हमने अपलोड किया था उसका सोल्यूशन देखते हैं। सो सी, दिस वाज द क्वेश्चन। ओके, दिस वाज द क्वेश्चन विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टुडे। देखिए क्या है इस क्वेश्चन में। बिफोर आई स्टार्ट दिस सेशन, आप लोग सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करिए अगर आपको पसंद आएगा तो, एंड ज़रूर शेयर करिएगा एंड कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको कैसा लगा। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। देखिए क्या बोला है, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द प्लेटफॉर्म व्हेन पिन ए स्लाइड्स टू द राइट एट ए स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। ये देखो आपका पिन ए है, दिस इज योर पिन ए। ये जो पिन ए है, ये जो आपका पिन ए है, ये स्लाइड कर रहा है टू द राइट। ये जो पिन ए है ये स्लाइड कर रहा है टू द राइट विथ 1 मीटर पर सेकेंड। एक्चुअली क्या हो रहा है ना, ये जो पिन है ये यहाँ पे, दिस वन, इट कैन स्लाइड राइट। भले यहाँ पे दिख नहीं रहा है बट या इट कैन स्लाइड, क्वेश्चन में बोला है तो यस इट विल स्लाइड। सो जब ये टू द राइट स्लाइड होगा तो ये प्लेटफॉर्म जो है, ये प्लेटफॉर्म की स्पीड कितनी होगी। ऑब्वियसली बात है, आप थोड़ा सा इमेजिन करिए, जब ये आपका जो पिन है टू द राइट स्लाइड करेगा तो ये प्लेटफॉर्म किधर मूव करेगा, राइट डाउन। कितने वेलोसिटी से, वीपी वेलोसिटी से। वीपी क्या है आपका, वेलोसिटी ऑफ द प्लेटफॉर्म। वीपी इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ द प्लेटफॉर्म। आई बात समझ में। वीपी वेलोसिटी से वो नीचे जाने वाला है, ये मेरे को पता है, दैट थिंग आई नो वेरी वेल। ओके, सो इससे देखो मेरे को क्या आने वाला है। सो यू कैन सी दैट, यू कैन से दैट ये मेरा जो एस है, मान लो अगर मैं इसको ओरिजिन मानता हूँ, इफ आई कंसिडर दिस एज माई ओरिजिन, है ना, अगर मैं इसको ओरिजिन मानता हूँ, वाई आई एम कंसिडरिंग दिस एज ओरिजिन, ताकि मैं डिस्टेंस ले सकूँ। जैसे देखो ये एस डिस्टेंस, एस क्या है, एस इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिन ए। और h क्या है आपका, h इज द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, h इज द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, h जो है आपका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है ऑफ द प्लेटफॉर्म, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लेटफॉर्म। दिस थिंग आई नो वेरी वेल। तो अगर मैं s जो है डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ द पिन वी ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी एस बाई डी टी। डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए, ये आपको मिल जाएगा वेलोसिटी, जो कि कितना है 1 मीटर पर सेकेंड। एंड एट द सेम टाइम अगर मेरे को प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी चाहिए वी पी, तो मैं क्या करने वाला हूँ, डी एच बाई डी टी कैलकुलेट करूँगा, जो वर्टिकल हाइट है। देखो ना भाई, ये जो प्लेटफॉर्म का हाइट है, वो प्लेटफॉर्म का हाइट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जितना चेंज होगा वही तो आपका वी पी होगा, वेलोसिटी ऑफ द प्लेटफॉर्म। आई बात समझ में, तो ये हमको समझ में आ गया। सो यहां से मैं क्या क्या बोल सकता हूँ, एस एच दिस थीटा, दिस थीटा, ठीक है, दिस वी ए, दिस वी पी आर वेरिएबल, ये सारे क्या हैं आपके वेरिएबल। एंड ये जो आपका लेंथ है, देखो ये एल बाई टू है, ये एल बाई टू, ये भी आपका एल बाई टू है, ये भी आपका एल बाई टू। सो दिस टोटल लेंथ, दिस टोटल लेंथ एल इज कॉन्स्टेंट, ये टोटल लेंथ एल है वो आपका कॉन्स्टेंट है, ये मेरे को बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। ये जो टोटल लेंथ एल है दैट इज योर कॉन्स्टेंट, ये जो टोटल लेंथ एल है वो मेरा कॉन्स्टेंट है, ठीक है, ये मेरे को बहुत अच्छे से पता है। सो अगर मेरा टोटल लेंथ एल जो है, अगर वो मेरा कॉन्स्टेंट है, अगर वो मेरा कॉन्स्टेंट है, मान के चलिए दिस इज कॉन्स्टेंट, ठीक है, क्योंकि वो चेंज नहीं हो सकता। मैं कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल कैसे डिसाइड कर रहा हूँ, कैसे डिसाइड कर रहा हूँ, ड्यूरिंग द मोशन, जैसे जैसे आप मोशन करोगे वैसे वैसे आपका ये एस चेंज होगा, एच भी चेंज होगा, थीटा चेंज होगा, एंड डेफिनेटली वेलोसिटी भी चेंज होगी, एंड वी पी प्लेटफॉर्म का भी वेलोसिटी चेंज होगा, बट ये जो एल है लेंथ वो आपका कॉन्स्टेंट रहने वाला है, एल जो लेंथ है ना वो आपका कॉन्स्टेंट रहने वाला है, वो चेंज नहीं होगा, दैट इज नॉट गोइंग टू बी चेंज। तो वो चेंज नहीं हो रहा है, दैट मीन्स एल आपका कॉन्स्टेंट है और ये सारे वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ से मेरे को ये अच्छे से समझ में आ गया कि भाई देखिए, इफ़ आई कंसिडर, ये ऑब्वियसली बात है, ये टोटल हाइट है h,
तो ये हो जाएगा आपका h बाई टू। अगर टोटल हाइट h है तो ये आपका हो जाएगा h बाई टू, h बाई टू। ओके सो देखिए, ये ट्रायंगल बनाइए, ये ट्रायंगल से ये मेरे को मिलेगा h बाई टू, ये आपका s है, ये आपका थीटा है, ठीक है, ये आपका थीटा है। सो फ्रॉम हियर आई कैन राइट टैन थीटा इज इक्वल्स टू, टैन थीटा इज इक्वल्स टू एच बाई टू एस, ये मेरा टैन थीटा होगा। सो एच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए 2s tan थीटा, ठीक है, 2s tan थीटा, ये मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। ओके नाउ इफ आई डिफरेंशिएट दिस, ठीक है, अब एक काम करिए, देखो एक्चुअली क्वेश्चन में ना थीटा की वैल्यू 30 डिग्री गिवन है। ओके क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू 30 डिग्री गिवन है। अब आपको अगर वेलोसिटी ऑफ द प्लेटफॉर्म चाहिए तो यू नीड टू डिफरेंशिएट दिस टर्म, इस पार्ट को आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। या फिर देखिए सुनिए, वन मोर थिंग, क्या मैं लिख सकता हूँ, ये लेंथ कितना है आपका एल, दिस टोटल लेंथ इज एल राइट, ये जो लेंथ है ये हमारा टोटल लेंथ कितना है एल, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एस स्क्वायर प्लस एच बाई टू का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एस स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बाई फोर। इसको डिफरेंशिएट करिए आप टाइम के रिस्पेक्ट में, इसको डिफरेंशिएट करिए टाइम के रिस्पेक्ट में, तो एल तो आपका कॉन्स्टेंट है तो ये जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा टू एस डी एस बाई डी टी प्लस ये हो जाएगा आपका टू एच बाई फोर इंटू डी एच बाई डी टी, ठीक है। तो यहाँ से ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपका टू से टू आपका कैंसिल हो गया, तो देखिए क्या बचेगा यहाँ पे, एस डी एस बाई डी टी, ठीक है, ये माइनस में इज इक्वल्स टू एच बाई फोर डी एच बाई डी टी, ठीक है। सो बस यहाँ से हमको रिलेशन मिल गया, देखो एच अपॉन टू एस, क्या लिख सकता हूँ मैं, टैन थीटा एच अपॉन टू एस, तो यहाँ पे भी एच अपॉन टू एस निकालने की कोशिश करिए, देखो, ठीक है। सो माइनस डी एस बाई डी टी यहाँ पे हो जाएगा एच अपॉन फोर एस, एच अपॉन फोर एस डी एच बाई डी टी, सो एच अपॉन फोर एस राइट, तो माइनस डी एस बाई डी टी, ठीक है, डी एस बाई डी टी मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ द पिन, एंड एच अपॉन टू एस की वैल्यू है टेन थीटा, तो टेन थीटा अपॉन टू नीचे बचेगा, देखो यहाँ पे एच अपॉन टू एस की वैल्यू है टेन थीटा फ्रॉम दिस इक्वेशन नंबर वन, तो एच अपॉन टू एस की जगह टेन थीटा और एक टू बचेगा, और डी एच बाई डी टी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ द प्लेटफॉर्म। सो वी नो दैट, याद रखना ये जो वेलोसिटी की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू है, ये सारी वैल्यू आप हमेशा लास्ट में पुट करना, सारा काम करने के बाद, सारा डिफरेंशिएशन करने के बाद लास्ट में पुट करिएगा। सो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री गिवन है, एंड एट द सेम टाइम वी ए की वैल्यू आपको 1 मीटर पर सेकेंड गिवन है, तो यहाँ पे पुट करते हैं, माइनस वन इज इक्वल टू टैन 30 डिवाइडेड बाई टू वी पी, तो यहाँ से वी पी इज इक्वल टू आ जाएगा 2 बाई टैन 30 डिग्री माइनस साइन के साथ, तो ये हो जाएगा आपका 3.46 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 3.46 मीटर पर सेकेंड, और ये माइनस साइन होगा यहाँ पे। देखो वाई दिस माइनस साइन इज कमिंग, यहाँ पे ये माइनस साइन क्यों आ रहा है बता सकते हो, यहाँ पे ये माइनस साइन क्यों आ रहा है, बिकॉज द रीजन बींग आप अगर ध्यान देंगे एस की वैल्यू आप इंक्रीज करिए, अब जैसे जैसे ये एस की वैल्यू इंक्रीज करेंगे एच की वैल्यू डिक्रीज होगी, देखिए जैसे जैसे आप एस की वैल्यू इंक्रीज करेंगे एच की वैल्यू डिक्रीज होगी, ये एस डिस्प्लेसमेंट आप इंक्रीज करो एच की वैल्यू डिक्रीज होगी, तो जिसके कारण आपका एक पॉजिटिव आ रहा है और दूसरा नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आप अगर वी ए का डायरेक्शन राइट लेते हो तो वी पी का डायरेक्शन किधर है, डाउन है, बस यही रिप्रेजेंट कर रहा है, वी पी नेगेटिव में इसलिए आया क्योंकि ये आपका डाउन में मूव कर रहा है, बस दैट्स इट। सो दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर, मैग्नीट्यूड बोलेगा तो आपको 3.46 आंसर देना है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया हो, इस मेथड को एनालिटिकल मेथड बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको ये मेथड और अच्छे से, इस पे और क्वेश्चंस करने हैं, तो डेफिनेटली आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, DSMYT ये कोड है, ये कोड यूज करके अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, उसमें जाके सब्सक्रिप्शन लीजिए। सी दिस इज द फीस, जो कि आपको कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में इतना सस्ता फीस नहीं मिलेगा। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर, एंड ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ये टेलीग्राम चैनल को फॉलो करिएगा,
उसमें मैं क्वेश्चंस डेली पोस्ट करते रहता हूँ. ओके, सो थैंक यू.